नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। पृथ्वी को बचाने, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने, प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश देने निकले साइकिलिस्ट। ये तीन साइकिलिस्ट पर्यावरण को बचाने का संदेश देकर कर रहे हैं लोगों को जागरूक। ये तीनों साइकिलिस्ट जब धार के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे, वहां पर पड़े हुए प्लास्टिक के कचरे को उठाते डस्टबिन ढूंढते हुए नजर आए। ये तीनों उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले हैं और 15,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के लिए निकले हैं। भारत के सभी राज्यों से होकर पृथ्वी को बचाने का संदेश देकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इंडिया रिकॉर्ड व एशिया रिकॉर्ड के लिए ये तीनों युवा साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। यह तकरीबन रोज लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इन्होंने बताया कि यह नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से गुजरते हैं और अभी तक 6 राज्यों से ये गुजर चुके हैं। मध्य प्रदेश से अभी गुजर रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार की इन्होंने प्रशंसा की है। वहीं धार कलेक्टर श्रीकांत मनोट से भी मिले, जहां पर धार कलेक्टर श्रीकांत मनोट ने इन तीनों साइकिलिस्ट का स्वागत किया। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। मेरा नाम पंकज बिष्ट है, मैं नैनीताल उत्तराखंड से हैं। क्यों आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये हम साइकिल यात्रा कर रहे हैं 15,000 किलोमीटर की, पूरा इंडिया में, इंडिया के सभी राज्यों में होकर जाएंगे हम। सेव अर्थ फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन का संदेश लेकर जगह जगह के लोगों से मिल रहे हैं और ये सारी चीज़ें, और इंडिया रिकॉर्ड और एशिया रिकॉर्ड के लिए यह यात्रा हम कर रहे हैं। अच्छा, इस यात्रा का आइडिया आपको कैसे है? मैम, इससे पहले भी हम लोग ये यात्राएं कर चुके हैं। इससे पहले हमने उत्तराखंड से लेकर लेह लद्दाख तक 2500 किलोमीटर की यात्रा की है। इससे पहले युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, हम युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि वो नशे से दूर रहें, स्पोर्ट्स के लिए आगे बढ़ें और पॉल्यूशन को कम करें, डिक्रीज़ करें, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें और खेल कूद में ज़्यादा ध्यान दें, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें, इन चीज़ों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए आगे आएँ। मध्य प्रदेश में से आप निकले हैं, आपको कितनी सुविधाएं मिली? मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत ज़्यादा, हर जगह पे हमें सारी सुविधाएं दी हैं, मेडिकल फैसिलिटी दी हैं, फूड के लिए सारी फैसिलिटी दी हैं, स्टे का हर जगह पे करवा रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत सपोर्ट किया हमारा। ये आप लोग जो निकले हैं यात्रा पर, इसका खर्च आप लोग खुद वहन कर रहे हैं या कंपनी करती है? नैनीताल की एक रन टू लिव संस्था है जो हर साल वहाँ पे मानसून मैराथन कराती है, जिसमें विदेशों से भी लोग आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। वह संस्था, उस संस्था ने हमें पूरा ये इसके लिए खर्चा और इसके लिए सारी चीज़ें, सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। नाम बताइए? पंकज बिष्ट। आपका नाम बताइए? मेरा नाम सागर देवराड़ी है, हम नैनीताल उत्तराखंड से आए हैं, एक साइकिल यात्रा कर रहे हैं 15,000 किलोमीटर की, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हम देश के जितने युवा पीढ़ी है उन सबको हम चाहते हैं एक संदेश देना कि आप नशे से बहुत ज़्यादा दूर रहिए और पॉल्यूशन को जितना कम से कम आप करेंगे उतनी जल्दी हमारा देश आगे बढ़ेगा। सब जोशी, मैं नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। हमारा युवाओं से ये कहना होगा कि आप पॉल्यूशन को कम से कम कीजिए। हम एक साथ तो पॉल्यूशन पूरा ख़त्म कर नहीं सकते हैं, तो आप प्लास्टिक का कम से कम यूज़ कीजिए और कोई भी चीज़ खाते हैं उसके रैपर डस्टबिन में डालिएगा और इधर उधर कूड़ा ना फैलाएं।